नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज के टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे कि अगर जो ट्यूबलेस टायर होता है उसका अगर पंचर लगाना है वो किस प्रकार से लगाना है, ये प्रोसेस जो आज हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो सबसे पहले ये टायर जो हमारे पास पड़ा हुआ है ये पंचर है, इसके अंदर जो है हवा नहीं रुक रही है, तो हम क्या करेंगे पहले इसके अंदर हवा भरेंगे और देखेंगे पंचर जो है कहाँ पर है। के अंदर हुई हवा जो हमने भर ली है, अब हम देखेंगे कि पंचर कहाँ पर। पंचर देखने के लिए या तो इस टायर की जो इंस्पेक्शन पूरी तरीके से करेंगे, कहीं पे अगर किल वगैरह जो है कोई या कोई मेटल की कोई चीज है तो लगी हुई है तो भी हम देख सकते हैं, अगर वो नहीं है तो हम पानी के द्वारा भी जो हम पंचर देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है पंचर कहाँ पर है। हमारे का जो पंचर यहाँ पे लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो पहले से पंचर लगा हुआ है ट्यूबलेस का, ये यहाँ से वो देखो हवा का प्रेशर कैसे जो है रिलीज हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे पंचर है। यहाँ पे पंचर लगाने से पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको फाइल के द्वारा जो है हल्का सा रफली जो है इसको साफ करना है। यहाँ पे पहले पंचर लगा हुआ था लेकिन वहीं से जो है ये प्रॉपर तरीके से नहीं लगा हुआ है, तो हमने क्या करना है दोबारा से इस पंचर को लगाना है। अभी इसको फाइल से जो है अच्छी तरह से पहले साफ कर लेना है। अगर पंचर प्रॉपर तरीके से नहीं उसकी जांच हो रही है तो ऐसे हम एक कोई राउंड चीज लेंगे जहाँ पे हमें पंचर लग रहा है तो इस प्रकार से रखेंगे और इसको पानी भरेंगे इसके अंदर, तो ये देख सकते हो आप। पानी में जो है जैसे बबल दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पे पंचर है। टायर में पंचर लगाने के लिए जो है हमें एक बाजार से जो है किट मिलती है, उस किट में क्या क्या सामान होता है, इसके अंदर जो है इस प्रकार से जो है एक पंचर लगाने के लिए प्रोब होगा एक, ठीक है, और एक जो इसके अंदर इस प्रकार से रीमर होगा, और ये पंचर है ट्यूबलेस पंचर इस प्रकार से होते हैं, और ये ग्लू होती है। वैसे कई बार हम ग्लू का यूज नहीं भी करें तो भी हम पंचर को जो है ऐसे लगा सकते हैं, और इसमें जो है एक इस प्रकार से जो है एक कटर होता है पंचर को लगाने के लिए काटने के लिए जो है, ये चीज जो बाजार से हमें स्पेयर पार्ट की दुकान से मिल जाती है, ये 200-250 रुपए में जो मिल जाती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो पंचर है इसको जो है इस प्रोब में लगाना है, प्रकार से जो है इसको लगाना है, और उसके इस पंचर को लगाने से पहले हमारे पास जो रिमर है जहाँ पे हमें पंचर दिखाई दे रहा है ये पंचर है, तो यहाँ पे जो है रिमर के द्वारा जो है इसका होल को यहाँ पे रिमर लगाना है, और जहाँ पे होल है अभी हमने रिमर लगा दिया है। अभी जो पंचर पहले का पंचर था वो अंदर चला गया, वो बाहर नहीं निकलेगा, तो हमें क्या करना है इसके बाद इस टायर का जो पहले का पंचर था हमने उसको रिमूव किया, अभी जो ये होल है वो काफी बड़ा है, तो हम क्या करेंगे नया पंचर लगाने से पहले जो है इस पंचर को लगाने से पहले हम ग्लू का यूज कर लेंगे, इस प्रकार से ये ग्लू मिलता है सोल्यूशन होता है, ये लगाएंगे हम पंचर में। अभी हम क्या करेंगे इस प्रकार से जो है पंचर को जितना भी अंदर जाने देना है घुमा के, उसके बाद हल्का सा ये अभी हमने पंचर लगा दिया है, अभी जो एक्स्ट्रा है
सोल्यूशन ग्लू रहा, इसके ऊपर कुछ ग्लू और लगा देना है सोल्यूशन, ये लेना सेंटर। अब इसको कुछ टाइम जो ऐसे रहने दो, कहीं से लीकेज नहीं हो रही है, ठीक है, ओके। हाँ निकला हुआ है, इसको हम कटर के द्वारा जो है हटा देंगे। जो हमने लगा दिया है अभी हम इसकी चेकिंग करेंगे। अब ये देखो कोई बबल जो है नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब जो है ये पंचर जो हमने लगाया है ये फिट है, ओके है। तो इस प्रकार से जो है हम ट्यूबलेस टायर में जो है पंचर लगा सकते हैं आसानी से जो लगा सकते हैं। ये तो हमने टायर को जो है रिमूव किया गाड़ी से, अगर गाड़ी के सामने जो दिखाई दे रहा है तो हम गाड़ी के ऊपर बिना टायर रिमूव किए भी ये पंचर लगा सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों अगर ये तो पंचर हमें दिखाई दे रहा था सामने, अगर बाकी टायर की इंस्पेक्शन भी हम कर सकते हैं, चेकिंग पंचर की कर सकते हैं पानी के द्वारा, कहीं और कोई कील वगैरह तो नहीं लगी है, अगर लगी तो हम फिर से पंचर जो है इस प्रकार आसानी से जो है लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट में जरूर बताएं। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं। धन्यवाद।